बहुत अच्छी बात है कि अब शुरुआत में भी हम है और एंड में भी हम है यहाँ पे। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और अच्छा है, हर तरह की फिल्मों को मौका मिलता है। और आज यहाँ पे वेब सीरीज़ का प्रीमियर हो रहा है, ये भी एक नया मीडियम है जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, तो इट्स बेटर फॉर सिनेमा। जो वेब सीरीज है, इट्स बेस्ड ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड जो इश्यूज होते हैं, तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? व्हाट्स माय टेक? सी हाउ मेनी मेल फोटोग्राफर्स आर हियर एंड वेयर देयर इज नॉट अ सिंगल फीमेल फोटोग्राफर। हर स्फीयर ऑफ लाइफ में देयर इज नो बैलेंस बिटवीन द जेंडर्स, सो दैट इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट। सो व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन इन द प्रोजेक्ट? अभी मैं और चार्ल्स रिलीज होने वाली है 30 अक्टूबर को, उसकी प्रमोशंस की तैयारी है और कैमरे की शूटिंग चल रही है। ओके, कोई शॉर्ट फिल्म जो बचपन में आपने किया जो मेमोरीज से याद आता है जो शेयर करना चाहेंगे? शॉर्ट फिल्म कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्री कुछ आपने कुछ किया रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। आई वॉन्ट टू गो, इट्स वेरी हॉट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देखना चाहती हूँ। इनफैक्ट हम फिल्म इंडस्ट्री वाले हमेशा बोलते हैं कि अच्छा छोटी अच्छी फिल्मों को पुश नहीं मिलता है, तो ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है सारी फिल्मों के लिए, छोटी हो बड़ी हो, अलग अलग टॉपिक्स, क्योंकि ज़्यादा करके हमारे कमर्शियल फिल्म्स में अलग अलग टॉपिक्स, थोड़े नीच टॉपिक्स नहीं चलते, तो उसके लिए जागरण फिल्म फेस्टिवल सुपर है। अच्छा, कुछ जैसा आज आए हैं जैसा की फिल्म है मेंस वर्ल्ड का, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? कुछ आपको बताया गया कि कैसा किस टॉपिक मैं हूँ उसमें? हाँ, टॉपिक क्या है? तो मैंस वर्ल्ड एक फ्लिप है एक्चुअली, कि इस जो ये जो दुनिया है इस वेब सीरीज़ की, इसमें जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं उनका नाम है किरण, वो एक लड़के हैं, पर एक दिन वो कर्स करते हैं भगवान को, कहते हैं कि ये दुनिया, सब लोग बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी लेकिन लड़कियों को ज़्यादा मिलता है, तो मैं नहीं मानता, इसको उल्टा करो, और दुनिया उल्टी हो जाती है, और फिर लड़कों की लाइफ लड़कियों जैसी हो जाती है और लड़कियों की लाइफ लड़कों जैसी हो जाती है, और फिर उसको समझ आता है कि एक्चुअली जेंडर इक्वालिटी क्या चीज़ है। और इसमें मैंने भी एक कैमियो किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अभी आपको पता चलेगा। अच्छा, जागरण फिल्म फेस्टिवल में आप किस टाइप का फिल्म देखना चाहती है, कि कुछ बताना चाहेंगे? किस टाइप का? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप पिक्चर इमेजिन करो और वो आ जाए, बट आई एम श्योर अच्छी अच्छी फिल्में होंगी और मैं ज़रूर देखना चाहूँगी क्या क्या है। कुछ मेमोरीज याद आते जो आपने शॉर्ट फिल्म किया होगा, वो तो बचपन में कुछ जो शेयर करना चाहिए? हाँ, एक दो बार स्कूल में और शुरू की ईयर में मारुति से पहले हम दोस्तों के साथ एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी हमने, उसका नाम था शिवा, और वो एक माफिया के ऊपर था, वो बहुत ही बुरी बनी थी, इसलिए हमने किसी को दिखाया नहीं, पर मज़ा आया। अच्छा, प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, आगे क्या चल रहा है? अभी बैंकचोर मेरी फिल्म जो यशराज के साथ है ऑपोजिट रितेश देशमुख, वो रिलीज़ होने वाली है अगले साल, अभी डेट फाइनलाइज हुई नहीं है, मोस्ट लाइकली जैन या मार्च में रिलीज़ होगी, तो लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। आप जानते हैं पिछले 6 साल से चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही ब्रिलियंट फिल्म्स दिखाते हैं। इनफैक्ट मैंने कुछ साल पहले अटेंड भी किया था, एंड ये साल हम एक बहुत ही अमेजिंग वेब सीरीज़ जो वायर एफ ओ वाई फिल्म्स ने ग्लोबल गोल्स एंड यूएन के साथ मिलके के इनिशिएटिव के लिए बनाई है, कॉल द मैंस वर्ल्ड, आप सबको देखना चाहिए। मैं यही कहूँगी सबको कि जाइए यूट्यूब पे, देखिए हमारे चैनल पे, शेयर करिए। द वेब सीरीज़ इज़ ऑन जेंडर इक्वालिटी, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में आज, एंड वी रादर फेस इट देन टर्न आवर फेसेस अवे फ्रॉम इट। आई वुड जस्ट लाइक टू टेल एवरीबडी, गो शेयर इट, लाइक इट, लेट्स गेट अवेयर, लेट्स चेंज व्हाटएवर प्रॉब्लम्स आवर नेशन इज फेसिंग टुडे। बहुत ज़्यादा
जागरण फिल्म फेस्टिवल ऐसी कोई खास फिल्म जो आप देखना चाहेंगी या आपको पसंद थी या फिल्म आपने देख चुकी है ऐसे कैसे? जी कोई ऐसी खास फिल्म जो मैं देखना चाहूँगी जी, कुछ साल पहले मेरी एक फ्रेंड है, उनकी फिल्म थी मेहरूनी जो यहाँ दिखाई गई थी, तो वो एक बहुत ही स्पेशल मेमोरी है मेरे लिए, एंड आई थिंक टुडे आई विल मेक माय सेकंड स्पेशल मेमोरी ओवर हियर, सो आई एम रियली एक्साइटेड। सो व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन द प्रोफेशनल? Oh, there's work happening. Whenever something happens, you guys will know very soon. And yeah. Thank you. Yeah, thank you, thank you, thank you. जी जी, क्या कहना चाहेंगे सबसे? अच्छी बात है, और एकदम मुंबई के हार्ट ऑफ मुंबई फन रिपब्लिक यहाँ हो रहा है, ताकि हर कोई जो फिल्म एंजॉय करते हैं, देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, जैसे कि हमारे रोशन कोई फिल्म नहीं है जो इस इंसान ने मिस किया होगा, लेकिन तो ये अच्छी बात है, अलग अलग वर्ल्ड सिनेमा भी लोग देख रहे हैं, इंडिया के जो अलग अलग पैरल सिनेमाज हो रही हैं वो भी लोगों को देखने का वक्त है। और आज हम खास इस वजह से भी आए हैं कि जो लॉन्च हो रहा है अभी मैंस वर्ल्ड का एक सीरीज़ लॉन्च हुआ है, जिसमें जेंडर इक्वालिटी पे एक बहुत एक लाइट एक मस्ती भरा एक टेक ऑफ है उस पर, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल कॉज ऑन जेंडर इक्वालिटी जो चल रहा है, तो उस पर एक तुम्हारे बारफ के साथ हम लोग एज कंपोजर्स सुपरबिया लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, तो वी आर हियर टू सपोर्ट देम फॉर द कॉज। अब तक लिस्ट देखे नहीं है, लेकिन अभी अभी आए हैं तो वी आर हियर फॉर दिस फिल्म फॉर वायरफ। फॉर वायरफ, तो इसके बाद ये जोड़ी त्रिकोणी जोड़ी जो है वो त्रिकोणी जोड़ी जी कोई प्रोजेक्ट्स में साथ में नजर आने वाली? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तिग्मांशु धूलिया जी की फिल्म आ रही है यारा, उसमें हमारे गाने हैं, इंद्र कुमार जी की फिल्म आ रही है ग्रेट ज्ञान मस्ती, उसमें काम कर रहे हैं, वायरफ की फ्यूचर प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे गाने हैं, तो बहुत कुछ चल रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द पाइपलाइन, और बहुत जल्द और भी अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन दीज आर साइंड तो उसलिए कह सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें काफ़ी हद तक आगे बढ़ी हैं। लेट्स होप इट ऑल वर्क्स आउट। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।